बहुत लंबी कतार है जी गाड़ियों की आज, मालूम नहीं क्यों। हमारी जो पे है वो मुझे मिल गई आज, और अमीर हो गया नदीम अशरफ एकदम से। 5, 10, 15 यखनी पुलाव भाईजान ले आ चुके हैं। आज बड़ी खुशी है जी, खुशी इसलिए है कि आज मुझे पे मिलने वाली है समर टीवी से, उसके लिए मैं अभी जाने लगा हूँ समर टीवी पे। चलते हैं, पेट्रोल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ रश बड़ा ज़्यादा लगा हो पहले से, काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं और गाड़ियों की भी अच्छी खासी कतार जो है वो लगी हुई है। चलें, हमारी बारी आती है तो फिर हम पेट्रोल डलवाते हैं। इन्होंने मुझे देखा तो हमारी तरफ इशारा कर रहे थे। A few minutes later. लो जी साड़ी वारी आ गई। भाईजन कह रहे हैं कि किसी ब्लॉग बना दे, मैं कहा जी मैं ब्लॉग बना दूँ। चलें जी, पेट्रोल हो गया, अब हम चलते हैं। तो गाइज अभी हम वेट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में ज़िया साहब का, वो आते हैं तो फिर हम चल के अपनी पे वसूल करते हैं। 2000 years later. इंतज़ार भी जो है वो कितनी बड़ी बीमारी है, करते करते इंसान की जान निकल जाती है। इंतज़ार कर रहे हैं अभी, इन पैसों को मैं यूटिलाइज़ करने वाला हूँ लैपटॉप लेकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लैपटॉप ले लूँ और लैपटॉप में इस्तेमाल करूँगा। फिर लिस्ट काफ़ी लंबी है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। यार चाय तो देना पड़ेगा। ओके गाइस, खुशी की इंतहा नहीं है। हमारी जो पे है वो मुझे मिल गई आज, और अमीर हो गया नदीम अशरफ एकदम से, और इसके कुछ काम है वो मैंने प्लान किए हैं। 5, 10, 15 बाकी नहीं गिने, इतने काफ़ी हैं। ठीक है जी। जी रुपये शुपये ले के असी बाहर आ चुके हैं, मेरा मतलब पैसे लेकर वापस आ चुका हूँ। अब ज़रा सीन है कुछ खाने पीने का, बच्चे सच्चे थोड़ा मौजे शोजे कर रहे हैं, तो मैंने कहा चले हम भी जाकर थोड़े झूले शूले ले रहे हैं। ठीक है जी। शेरा ने रानी निकाली है और अब हम जा रहे हैं जी कुछ खाने के लिए। समा हमारे पीछे है, तो समा को ज़रा बाय बाय करते हैं, फिल वक्त फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत लंबी कतार है जी गाड़ियों की आज, मालूम नहीं क्यों। बाइक वालों का मज़ा ये है कि भाई जहाँ से मर्जी निकल जाओ, बाइक भी हो ना तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए, है कि नहीं। खाना खाने के लिए अब हम पहुंचे हैं बरकत मार्केट। बरकत मार्केट खाने के हवालों से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसलिए सबसे अच्छा खाना खाने के लिए हम बरकत मार्केट पहुंचे। यहाँ बहुत से ब्रांड्स हैं, आप देख सकते हैं हाउस ऑफ राइस और इसके अलावा मदीना यखनी पुलाव। तो हम खाने पहुंचे हैं मदीना यखनी पुलाव, और यखनी पुलाव यहाँ से हम खाते हैं और टेस्ट भी बताएँगे आपको कैसा है। बड़ा नाम सुन रखा है इसका, और हमारे साथ मौजूद हैं सामा भाई। सामा भाई के साथ आज हम टेस्ट करने आए हैं। यखनी पुलाव, सिंधी बिरयानी, यखनी पुलाव, अफगानी, अफगानी पुलाव, बला 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 जो भी है मंगवाया जी। यखनी पुलाव चिकन के साथ, शामी भी है साथ जी, शामी भी है। बड़ा दिल कर रहा है कि यार जल्दी आए और मैं खाना शुरू कर दूं। भाई हम तो पहले भी आ चुके हैं यहाँ, कैसा टेस्ट था आपको पता है? यखनी पुलाव को तो मैं शुरू से फैन हूँ, और ये जो बरकत मार्केट में ये जो पास इस ब्रांच में बैठे हैं जी जी, ये ब्रांच जब स्टार्ट हुई थी ले जी, इतने में हमारे पास ये यखनी पुलाव भाईजान ले आ चुके हैं। यखनी पुलाव मेरे पास आती है जो महक आ रही है ना वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अब खाता हूँ ना फिर आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा। ये देखें ज़रा, शामी को ज़रा थोड़ा सा हमने इसके साथ हम ले लेते हैं, मज़ा आ रहा है और खुशबू भी आ रही है। अब ज़रा ये पहली बाइट जो है मुँह में जब जाएगी तभी उसके बाद टेस्ट का पता चलेगा टेस्ट कैसा। मज़ेदार, बहुत अच्छा। शामी का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, और शामी भी ताज़ा ताज़ा है बिल्कुल, चीज़ हमेशा ताज़ा ही अच्छी लगती है। जी उसामा भाई टेस्ट कैसा है? As usual, best. माशाल्लाह ज़बरदस्त। बड़ी बड़ी दुकानों पे वो फीके फीके पकवान होते हैं, दुकान ए एड्डी वड्डी तो नहीं हैगी लेकिन टेस्ट चंगा है। ये जी मज़ेदार किस्म की हमारी बाइट। और
बेहतरीन। नान इतने मजेदार चावल हैं। मेरा दिल कर रहा है भाई मैं दोबारा इसको लूँ, तो मैंने मंगवा लिए हैं, एक नई प्लेट मंगवा ली है। यखनी पुलाव इतने ज़बरदस्त है, मैं इसकी ऐसी तारीफ नहीं कर रहा। आप भी हैं बरकत मार्केट, यखनी पुलाव लाजमी खाएं। सामा भाई बताएं ज़रा, मज़ेदार? जी बहुत मज़ेदार। लें जी भाई जान, और ले आए हमारे लिए। ये दोबारा से पहली बाइट, एक चावल अलग अलग है। मज़ेदार यखनी पुलाव फिनिश। सामा भाई रिव्यूज़? मैंने बताया कि एज यूजुअल दी बेस्ट यखनी पुलाव पे आए और इसी तरह तीन तीन प्लेटें खाएं। आप भी आएँ यखनी पुलाव पे और यहाँ आप बरकत मार्केट या आप आती आपको इंटरेस्ट में मिल जाएगी। आप आएँ खाएँ और मज़े उड़ाएँ, बहुत ज़बरदस्त। मैं रेट करूँ तो भाई 10 out of 9 मेरी तरफ से, सामा भाई की तरफ से ये है। तो इसी के साथ हम अपने लोगों को यहाँ इख्तिताम करते हैं। मैं चाहता हूँ होस्टर सामा भाई अपने घर। इसी के साथ अपने मेज़बान नदीम अशरफ को इजाज़त दीजिए। मज़े मज़े खानों के साथ मिलते रहेंगे आपको और टेस्ट बताते रहेंगे और आपके मुंह में पानी लाते रहेंगे। अगर आपने खाना है तो नदीम अशरफ से रब्ता करें, इनबॉक्स पे या इंस्टाग्राम पे आप DM करें, मुलाकात करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह किसी अच्छे से रेस्टोरेंट। ये टिशू उठा के जेब में डाले जी, ये टिशू परफेक्ट है और ये माले गनीमत होता है। बिल्कुल इसी तरह ये माले गनीमत है जी, ये गया। चैनल पे ये जो देख रहे हैं जिन्होंने ये मैंने टिश्यू उठवाए जी जी, समझने वाले समझ जाएंगे कि मैंने क्यों उठवाए। मैं समझ सकता हूँ टिश्यू वाले तो भाई, और कैमरा मैन को भी पता है और उसके साथ साथ मेरी ऑडियंस को तो बड़े अच्छे से कैमरा वगैरह साफ करने के लिए होते हैं मोबाइल का। जी जी मैं बिल्कुल समझ गया जी। समझ रहे हो आप? मुँह खराब हो जाता है जी जी। कुछ ये माले गनीमत है जी, हमने रोटी खाई है उसके बाद ये माले गनीमत, तो ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए माले गनीमत। वो किसी भी सूरत में हो, वो टिश्यू की सूरत में हो, वो टूथपिक होती है उसी की सूरत में, किसी भी सूरत में उठाओ और ये जरा रफू चक्कर करो। मैं मदीना यखनी पुलाव की एक अच्छी बात ये हुआ करती थी कि जब आप एग्जिट करते हैं यहाँ से जी जी, तो यहाँ पे एक सौंफ हुआ करते थे, सौंफ जी जी सौंफ, हाँ जी, वो बाउल इन्होंने अब यहाँ से उठवा दिया। अच्छा, वो एक बड़ी अच्छी चार्मिंग चीज थी, ठीक है, वो इसमें कमी है, अपीलिंग चीज थी कस्टमर्स के लिए, ठीक है, अब उन्होंने उठवा दिया मेरे ख्याल में। लेकिन मैं पूछते हैं, चलें पूछते हैं, चलें वो पूछते हैं। चले जी सौंफ वगैरह नहीं, मदीना यखनी पुलाव आप आए यहाँ, बहुत अच्छी बिरयानी और बहुत अच्छा यखनी पुलाव है, हमने खाया बड़ा मज़ा आया।